हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि मैं वीडियो के एंड में कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करूंगा, जो कि वैसे एस्पिरेंट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज 2020 के लिए अपेयर कर रहे हैं या फिर आगे अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, तो एक तरह से ये आपके लिए प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर पाओगे, राइट। और मैं ये भी बता दूँ कि हमने मॉक टेस्ट इंटरव्यू, बेसिकली जो मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, और उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने मेंस क्लियर किया है। आप हों या फिर आपके कोई फ्रेंड हो या आपके कोई रिलेटिव्स हों, कोई भी जिन्होंने UPSC मेंस क्लियर किया है, उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारे मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। दिल्ली में ये चल रही है होटल JP सिद्धार्थ में, जो डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए हुए। ये बहुत अच्छा मौका है जब आप अपने 1-to-1 इंटरेक्शन करके एक हाई क्वालिटी वीडियो के साथ, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं सर्विस में वो आपके इंटरव्यू लेंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा विद एक्स ऑफिसर्स। तो एज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप आप कोई भी एक मौका नहीं गंवा सकते हो, यू हैव टू बी फुल्ली प्रिपेयर। सो हमारे तरफ से मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जो आपको सक्सेस दिलाने में काफ़ी हद तक मदद करेगी। और जिन लोगों को अपने मॉक टेस्ट लेना है प्रीलिम्स के लिए, वो भी यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि अब मई में एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। 70 टेस्ट है यहाँ पे, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से ज़्यादा जानकारी चेक कर सकते हो। एंड टुडे इज 16th of January, ठीक है। ये कुछ लिस्ट ऑफ आर्टिकल है जो इनडेप्थ एनालिसिस है, उसके जो टाइटल है दैट इज आर्टिकल 131 है, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। आज के हिंदू की बात करूँ तो आज हिंदू का न्यूज़पेपर आया नहीं था, बिकॉज ऑफ पोंगल देर वॉज अ हॉलीडे। सो ये हिंदू के, मैं कल के न्यूज़पेपर आप में देखा होगा, ये एडवर्टीजमेंट दिया था कि देर विल बी नो इशू ऑफ द हिंदू डेटेड 16/20 ऑन द हेड ऑफ पोकन, ओके। और इंडियन एक्सप्रेस से दो आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीसेट एंड रीफोकस एंड वन रेलवे, ये दो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और जो इनडेप्थ एनालिसिस होगी आर्टिकल 131, ये काफ़ी डिबेट में है ये इशू, और आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि 131 आर्टिकल है क्या, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट यहाँ पे कैसे काम करती है। देखो आपने अभी तक जो CAA है, बेसिकली जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको समझा, बट जो UPSC आपसे क्वेश्चन पूछेगी वो आपसे एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेगी और आपसे जानने की कोशिश करेगी कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस तरह के क्वेश्चन हर बार आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपको खुद के ओपिनियन पे सवाल आंसर्स लिखने होंगे और वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, राइट। तो पूरे आर्टिकल में बात की गई है एक तरह से आर्टिकल 131 क्या है और सेंटर स्टेट डिस्प्यूट किस तरह से काम करते हैं, ये आज के इंडियन एक्सप्रेस में है, राइट, आप न्यूज़पेपर चेक कर सकते हो। नाउ केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मेक द, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया है अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ओके। और गवर्नमेंट, जो केरला गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूड है वो ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है दैट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड सेकुलरिज्म, ये कहना है केरला गवर्नमेंट का, ठीक है। अब आगे आपके मन में कुछ सवाल आएगा कि आपके लिए ये क्यों ज़रूरी है, आपने CA पूरा पढ़ लिया है, आपको पूरा पता है CA में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद आपके लिए क्यों जानना ज़रूरी है। देखो आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है, पहली बात कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आर्टिकल 131 है क्या, राइट, ये क्यों न्यूज़ में। दूसरी जो बात है आपको जानना ज़रूरी है वो है कि अंडर विच कंडीशन केरला गवर्नमेंट हैज़ मूव SC अगेंस्ट द CA, क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ केरला गवर्नमेंट मूव की है, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन आपको जानना है ये है, हाउ डज दिस चैलेंजेस डिफर फ्रॉम द अदर पिटिशन दैट वाज फाइल्ड बिफोर, जो पहले भी पिटिशन फाइल की गई है उससे ये कैसा डिफरेंट है, राइट। और जो आखिरी सवाल है, व्हाट एस्पेक्ट्स फ्रॉम द फेडरल स्ट्रक्चर केस डज थ्रो अप, ठीक है। तो ये चार सवाल आपके लिए आपके मन में आ रही होगी, आप अगर नहीं है तो आपको ये चार जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो इसी के तर्ज में मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा चीज़ों को, राइट। तो पहले आप समझ लो बैकग्राउंड में हुआ क्या, जैसे केरला गवर्नमेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट दैट हैज़ चैलेंज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और अगर बात करें जो लीगल रूट की, द लीगल रूट हैज़ अडॉप्टेड बाय द स्टेट इन डिफरेंट फ्रॉम द 16 पिटिशन दैट वाज ऑलरेडी फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, राइट। पहले भी 60 लोगों ने इस पिटिशन फाइल किया, बट एक्शन अभी तक उसमें कुछ हुई नहीं है, दैट स्टिल पेंडिंग। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस को, पिटिशंस को रिजेक्ट भी किया है यहाँ पे। नाउ द केरला गवर्नमेंट हैज मूव द एपेक्स कोर्ट अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये प्रिलिम्स और मेन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो
अंडर विच सुप्रीम कोर्ट का 131 के अंदर एक ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है दैट डील्स विद एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊंगा कि 131 है क्या. तो केरला गवर्नमेंट की जो पिटिशन फाइल की गई है उनका कहना है कि जो CAA है वो आर्टिकल 14, 21 एंड 25 का वॉयलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. ये सारी चीज़ों को वॉयलेट करती है. उसके अलावा उन्होंने जो केरला गवर्नमेंट ने ऑल्सो चैलेंज्ड कि जो पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया है अमेंडमेंट रूल्स एंड द फॉरेन अमेंडमेंट ऑर्डर है ये दोनों भी कहीं ना कहीं इसका वॉयलेशन है, राइट. इसी तर्ज पे अगर मैं पहले बात करूँ इससे पहले क्या हुई थी तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक सूट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 131 के मुताबिक है जहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया था जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ऑन द ग्राउंड दैट इट इनकोचेज अपॉन द स्टेट पावर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. आपको याद होगा जो छत्तीसगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट को दरवाज़ा खटखटाया और 131 के मुताबिक उन्होंने कहा कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो हमारे स्टेट के पावर को ले रही है इसको खारिज किया जाना चाहिए, राइट. नाउ व्हाट इज 131, आर्टिकल 131 है क्या. देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तीन जुरिसडिक्शन है 131 के साथ. मैं आपको एक आध चीज़ और बता दूंगा. जैसे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आती है, एपलेट जुरिसडिक्शन आती है और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आती है. तो अंडर एडवाइजरी आपको पता है प्रेसिडेंट क्या है, अगर किसी भी ओपिनियन प्रेसिडेंट को चाहिए सुप्रीम कोर्ट से अपेक्स कोर्ट से तो 143 के अंदर वो लेते हैं. उसके बाद अगर बात करें एपलेट जुरिसडिक्शन की तो सुप्रीम कोर्ट जो लोअर कोर्ट की जो अपील्स हैं जो वहाँ से जो आती है उसको हियर कर दी है. उसके बाद अगर बात करें फाइनल 131 जो कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है इसमें जो बातें की गई है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ एक्सक्लूसिव पावर टू एजुडिकेट द मैटर दैट इज़ अराउजिंग फ्रॉम दीज थ्री. चाहे वो पहला है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दूसरा सेंटर एंड द स्टेट और केस इन्वॉल्विंग द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो ये सारी चीज़ें अगर आती है तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट को बस जाया जा सकता है, पिटिशन फाइल की जा सकती है, राइट. नाउ हाउ इज द सूट अंडर आर्टिकल 131 जो केरला ने किया इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पिटिशन दैट वाज फाइल्ड अगेंस्ट द CAA. देखो जो अदर पिटिशन फाइल्ड हुई है CAA में आप ये डिफरेंस आप समझ लो, क्योंकि जो अदर फाइल होती है वो आर्टिकल 32 के अंदर होती है. ये रीट पिटिशन फाइल की गई है, ठीक है, दैट कोर्ट को एम्पावर करती है टू इशू रूट अंदर जब कोई भी फंडामेंटल राइट किसी भी सिटीजन का वॉयल आउट होता है. सिटीजन जो है एज एन इंडिविजुअल, राइट. नाउ स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट मूव अंडर दिस प्रोविजन. स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 32 के अंदर, अगर आर्टिकल 332 के अंदर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट मूव नहीं कर सकती है बिकॉज ओनली पीपल एंड सिटीजन कैन क्लेम द फंडामेंटल राइट नॉट द स्टेट. तो आप समझ रहे हो ये दो है जो आपके लिए क्लैरिटी होनी जरूरी है. उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 131 तो चैलेंजेस कैन बी मेड विथ राइट टू द पावर ऑफ द स्टेट एंड सेंटर इन क्वेश्चन जो अभी प्रेजेंट में है, राइट. तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट मूव करेगी वो 131 के मुताबिक ही जाएगी, राइट. नाउ कैन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर लेजिस्लेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर 131, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं तो मैं बहुत ज़्यादा आपको जजमेंट नहीं, थोड़ा बहुत एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगा. स्टेट वर्सेज बिहार और झारखंड का भी जजमेंट है, वो भी स्टिल पेंडिंग है. पर जो इम्पॉर्टेंट है इन सम जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है ऑफ द लॉ कैन बी एग्जामिन अंडर 131, ठीक है, उसको एग्जामिन किया जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड है या नहीं. लेकिन कुछ केसेस में ये भी देखा गया जैसे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट ने रूल किया कि जो ओरिजिनल शूट है अंडर 131 तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करें इट कैन नॉट नो इनैक्ट टू बी एग्जामिन, कैन नॉट बी एग्जामिन, ये भी बात की गई है. तो दोनों अपने आप में थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है बट एट द सेम टाइम अभी देखना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केरला के जो पिटिशन है उसको एक्सेप्ट किया है. देखना होगा कि आगे उनकी क्या जजमेंट आती है, वेदर इट विल बी रिजेक्टेड या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने कुछ एक्शंस के साथ उसमें जजमेंट देती है, राइट. नाउ कैन द सेंटर मूव अगेंस्ट, जैसे अगर किसी से अगर स्टेट अगर कोई फाइल करता है तो क्या सेंटर उसके अगेंस्ट जा सकता है 131 में अगर किसी स्टेट ने किया है तो. तो देखो जो डायरेक्शन देता है सेंटर जो भी लॉ बनती है, सो द डायरेक्शन प्रोवाइडेड टू द स्टेट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स, ठीक है. जो भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, पार्लियामेंट की तरफ से जो भी लॉ बन के गई है वो सारे स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करना मस्ट है, राइट. उसके अलावा द सेंटर हैज़ अ पावर टू इंश्योर दैट इट्स लॉज आर इम्प्लीमेंटेड. अगर ये नहीं होती है तो सेंटर कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग द परमानेंट इंजेक्शन ऑफ दैट लॉ टू बी इंक्लूडेड इन ऑल द स्टेट्स, ठीक है. और अगर ऐसी चीज़ें कंप्लाई नहीं होगी
तो कोर्ट फिर क्या, कोर्ट ऑर्डर करेगा कि ठीक है यू हैव टू अप्लाई दिस वॉट एवर द रूल हैज कम. अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर वो कहीं ना कहीं वॉयलेशन होगी, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, राइट. और ऐसा भी कई बार देखा गया है कि जब अगर सेंटर कंप्लायंस नहीं है तो कुछ ऐसा करके प्रेसिडेंट के साथ एसेंट लेकर के प्रेसिडेंट रूल भी लगाने की प्रोविजन देखी गई है. बट वो बहुत हद तक डेमोक्रेटिक नहीं है, वो ओवर रूल ऑफ पावर होती है, राइट. तो इस तरह की चीज़ें डेमोक्रेटिक कंट्री में होनी नहीं चाहिए. और जब भी अगर कंटेम्प ऑफ कोर्ट होगी, जिस स्टेट ने उस कोर्ट की जो आदेश का अवहेलना किया है, फिर उनके चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाता है और उनको फटकार लगाई जाती है, राइट. नाउ इंडियन एक्सप्रेस से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. यहाँ पे द रीसेट एंड रीफोकस और वन रेलवे, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बाकी सारी चीज़ें वही CAA और इसको लेकर के तो ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कस कर लिया, तो मैं यहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, राइट. तो फर्स्ट रीसेट एंड रीफोकस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपके जनरल स्टडीज पेपर 3 में भी इंपॉर्टेंट हो सकती है. एंड इंडियन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बात की गई है जिस तरह से इंडिया इज नाउ वेल एंड ट्रूली इन द मिडिल क्लास सोशियो इकोनॉमिक अपफेल, ठीक है. गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एजेंडा पे ज़्यादा चल रहा है, राइट. बिकॉज जो डेवलपमेंट है वो बहुत हद तक एड्रेस नहीं की जा रही है, और इस आर्टिकल में बात की गई है जो डेवलपमेंट है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है. प्रेजेंट कंटेक्स्ट को देखते हुए सरकार ने क्या क्या है, $5 trillion इकोनॉमी का टारगेट सेट कर लिया है, राइट. ग्रोथ रेट क्या है हमारी, आपको पता है 4.2% है क्वार्टर्स में, ओके. इसमें ऑलमोस्ट 4.7 के आसपास थी, बट ये घट के 4.2 हो गई है. उसके बाद सारे सेक्टर्स में ग्रोथ जो है वो गिरावट देखी गई है. तो कैसे चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा, जो डेवलपमेंट है डेवलपमेंट के काम कैसे होंगे, तो जो डेवलपमेंट जो इश्यूज है उसको ज़रूरत है एड्रेस करने की. उसके बाद कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है अभी तक के 45 साल में सबसे ज़्यादा है, ये गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक, राइट. 45 ईयर्स में अभी तक में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया है, और इट इज़ बीन कॉमनली स्टेटेड कि भाई सब जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट देखी जा रही है. उसके बाद कहाँ से जॉब आएगी, फ्रॉम वेयर द जॉब विल कम, उसके लिए कुछ इकोनॉमिकल नो जो बॉटल नेक्स है उसको ख़त्म करने की वजह से जो जॉब क्रिएटर्स हैं, चाहे वो बात करूँ एंटरप्रेन्योर्स की या जो कॉलमिग्रेट्स हैं या जो मल्टीनेशनल्स हैं, दे आर इन ट्रू जो इन्वेस्टमेंट रिस्क उनके पास अभी काफ़ी ज़्यादा, वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं, राइट. दे डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट एंड दे डोंट वॉन्ट टू एक्सपैंड देयर बिजनेसेस. एक्सपैंड नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, लोगों की कमी होगी. जैसे आपने अभी हाथ में अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूँ तो जो सुजुकी प्लांट है उसको बंद करने की बात की जा रही थी, उसको अगर बंद कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट 18,000 लोग जो हैं वो उनको नौकरी वहाँ से हाथ धोना पड़ेगा. तो अब देख सकते हो जिस तरह से स्लो डाउन चल रही है इकोनॉमी में, उसको कैसे बूस्ट किया जाए. और गवर्नमेंट का जो फोकस है वो अनक्लियर है प्रेजेंट टाइम में. अभी ज़रूरत नहीं थी सरकार को CAA लाने की या NRC करने की, ये सारी ज़रूरतें बाद में हो सकती है. पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देना बहुत ज़रूरी है. एक वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अमल में लाना बहुत ज़रूरी है अभी के सरकार के लिए, राइट. नाउ बात करें इस आर्टिकल की, तो ये जनरल स्टडीज पेपर 2 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है. वन रेलवे आर्टिकल है, इसको दिवेक देबरॉय ने लिखा है. इस पूरे आर्टिकल में बात की गई है जो न्यू इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाई जा रही है उसको लेकर के बातें की गई है, कि कैसे एक सिंगल कैडेट ऑफ रेलवे मैनेजर में जो है उसको कन्वर्ट किया जाएगा, राइट. अगर मैं बात करूँ इस जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है जिसका नाम होगा IRMS, तो इसमें जो 8 सर्विसेज हैं उसको मिला करके एक सर्विस बनाई जा रही है, ओके. दैट वुड बी मर्ज इनटू 1. तो वो जो 8 है वो है IRPS इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, IRTS इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज. मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे. इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ सिंगल इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स एंड इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज. ऊपर के जो 4 ऊपर के जो 3 सर्विस है ये और इधर के ये जो लास्ट, ये 3 UPSC के थ्रू होती थी सिविल सर्विसेज के थ्रू. बाकी जो IES का एग्ज़ाम होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, उनसे ये लोग रिक्रूट होते थे. अब क्या है, पूरा IRMS बनाया जाएगा, एक सिंगल बोर्ड बनाई जाएगी जहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट होगी, UPSC ही लेगी इस एग्ज़ाम को, राइट. टोटल स्ट्रेंथ की बात करें अभी इंडियन रेलवेज में, तो ये सारे 8 सर्विसेज को मिला करके 1804 ऑफिसर्स एम्प्लॉयड हैं अभी प्रेजेंट में, ठीक है. और इसकी यूनिफिकेशंस के लिए ये 8 को एक कर दिया जाए, इनको IRMS में कन्वर्ट किया जाए,
उसके लिए ऑलरेडी रिकमेंडेशन पहले से चल रही है, जो प्रकाश टंडन कमेटी है 1994 की, या फिर खन्ना कमेटी 1998 में, या मैं बात करूँ राकेश मोहन कमेटी इन 2001, सैम पेट्रोदा कमेटी रिसेंट 2012 में, और ये खुद दिवेक देवरा जिसने इस आर्टिकल को लिखा है उन्होंने भी खुद कहा था कि यूनिफिकेशन होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई है और ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। आप इस चीज़ को ज़रूर लिखना एग्जाम्स में, जो कमिटीज़ के नाम है वो आप ज़रूर बताना, राइट। तो एक तरह से रेलवे की रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है जिसमें परफॉर्मेंस, वर्कफोर्स और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, ए गुड सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड टू द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। चलिए आगे बढ़ते और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो स्टैटिक पोर्शन हिस्ट्री से है, तो आपको बताना है कि जो मॉन्टेगू चेम्स फॉर रिफॉर्म है दैट हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कौन सी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी, डायर्ची, सेल्फ गवर्नेंस, फॉर्मेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एजुकेशनल रिफॉर्म। सो जो भी करेक्ट आंसर है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें बता सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस इज एन PYQ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहां पे यूपीएससी ने ऑलरेडी ये सवाल पूछा हुआ है। तो आपको बताना है कि इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वॉज मेंट फॉर वॉट पर्पसेस, क्या काम के लिए इबादत खाना बनाया गया था, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो आप बताएंगे मुझे मॉस्की फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, अकबर प्राइवेट चैम्बर फॉर द प्रेयर, अ हॉल विच मेक हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर फॉर द वेरियस रिलीजियस अफेयर्स एंड इन द रूम फॉर द नोबल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस टू गैदर टू डिस्कस द रिलीजियस अफेयर, राइट। तो आप समझे ये दो ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। जिन लोगों को आंसर नहीं पता है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को भी रेफर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन को रेफर कर सकते हैं जहाँ पे मैंने करेक्ट आंसर दिए हुए हैं, राइट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आर APTIPLUS ऑफिशियल चैनल फॉर सिविल सर्विसेज जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगे, राइट। आप प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, PIB PRS सारी चीज़ की कंपाइलेशन आपको हमारे APTIPLUS अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएगी, राइट। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, अगर कोई कंसर्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।